रिलेशनशिप में रहे हो? ऑफ कोर्स। अच्छा, तो उसके मतलब क्या दो साइड इफेक्ट्स जो फायदे? फायदे तो बहुत सारे हैं। हाय चश्मा जड़ा तुसी राती लाया होया है, आए एक अखाना देख जन ता करके है। हां जी हां जी, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरा रब है। जे तू मेरे कोल है ता फिर जिंदगी विच कादा जब है। एक बिहारी सौ पे दाढ़ी, ना आप दरवाजे से अंदर जा सकते हो ना बाहर जा सकते हो। दरवाजे के ऊपर, और इस जैसे बंदे ने दरवाजे के अंदर ही जाना होता है। ਸਾਡਾ ਵੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖੁੰਡ ਨਹੀਂ, ਜਰਾ ਅੜਿਆ ਪਾੜ ਦਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਢੋਂਚੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਲੀਕਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲਣੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਤੁਮ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਿਮਾਚਲ ਸੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਫੜ ਲੋ ਭੂਤ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੜੀਆ ਸਰ। ਬੜੀਆ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋ ਆਪ? ਨਿਆ ਗਾਓ। ਨਿਆ ਗਾਓ? ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ? ਐਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ? ਐਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੱਥ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਗੇੜੀ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟਿਊਸ਼ਨ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਹੀਂ 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 ਜੀ, ਇੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਹਮ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਔਨ ਸਕਰੀਨ, ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਮਤਲਬ ਆਪ ਉਸਕੋ ਨੰਗਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ, ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਆਪ? ਐਸੇ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋ ਵੈਸੇ? ਨਿਆ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋ? पीछे से तो वैसे हम यूपी साइड से हैं। अच्छा, लेकिन वहां से लगा के यू लू लिपस्टिक, पता नहीं आगे गाना क्या है वो, ही ले ला सारा डिस्ट्रिक्ट। ओहो हो बेटे, ठीक है ठीक है ठीक है। भाई पढ़ते क्या हूं? अभी तो हम कॉलेज कर रहे हैं, बैचलर। अच्छा, कॉलेज कर रहे हो? बैचलर्स बी बीए बीए? भाई बीए को पढ़ाई माना जाता है? हां जी। अच्छा भाई, क्या बनता है उससे? बनता हम सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं। अच्छा, आप जाओगे आईएएस? आईएएस बनोगे? अभी तो हम उसमें से हम बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, और आगे हमें मास्टर्स करनी है। ठीक है ठीक है। भाई एक लोग कहते हैं भाई यूपी से लोग हमारे पंजाब में आ जा रहे हैं, तो पंजाब मतलब यूपी में बसना चाह रहे हैं, ऐसा भी है कुछ? ऐसा आपके लिए जैसे हमारे लिए कैनेडा है, आपके लिए पंजाब है, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, यूपी के लोग हर जगह, इंडिया में तो हर जगह बसे हुए हैं, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो। एक बिहार वाली और लाइन तो मारो ना मुंह पे, वो क्या सी होती है, एक बिहारी सौ पे दाढ़ी। हां, आप बिहारी हैं? नहीं, फिर यूपी वाले हैं ना? फिर आपने क्यों बोला? तो सुना हुआ है। सुना हुआ है, ठीक है ठीक है। आपका लैंग्वेज मेरे को बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा भाई, गाना सुनते कोई? हाँ जी, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, पंजाबी और हिंदी। पंजाबी और पंजाबी गाने भी, हिंदी भी? हिंदी गाने भी सुनते हो? पंजाबी, पंजाबी सुनाना जी, एक पंजाबी जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। अरे ऐसे याद नहीं होते हमें। ये मुँह में पान है आपके? नहीं, थोड़ा सा लग रहा है आपके मुँह में पान वगैरह नहीं खाते। मैडम पीछे हंस पड़े हैं, मतलब पान लग रहा है जैसे दांतों में भी, वो ऐसे थूं करोगे? हम ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। नहीं करते हैं? यूपी वाले वैसे फेमस होते हैं। फेमस तो यहाँ पे भी हैं बहुत, पंजाबी भी करते हैं, पंजाबी पान खाते हैं। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे मेरे जितने भी कॉलेज में तो पंजाबी कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ऐसी बात है क्या? हमें पता नहीं था, हम अप टू डेट नहीं थे, आपने कर दिया, थैंक यू। अच्छा भाई एक बात बताओ, यू नो सिचुएशनशिप, व्हाट इज सिचुएशनशिप? हाँ जी पता है। बताओ फिर क्या होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स टाइप बदलना? हाय 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 हाय, सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स टाइप बदलना, इसको कहते हैं सिचुएशनशिप। बाजी बाजी। एक भाई यार, अगर आपकी गर्लफ्रेंड रही है कभी? अभी तक तो नहीं है। हैं? अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो नहीं है, कभी रही भी नहीं? नहीं, सिंगल हैं। आप बचपन से सिंगल हैं? हाँ बचपन से हैं, आगे का पता नहीं। आगे का पता नहीं? अच्छा, मतलब आसपास ही है कोई? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। अभी नहीं है लग रहा है मेरे को। नहीं, अभी तो नहीं है। अच्छा ठीक है, मतलब कैसी लड़की चाहिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? सिंपल टाइप, मतलब कि जो समझे लड़कों को, खासकर मुझे। अच्छा, सारे लड़कों को समझेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको समझनी चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है। तो भाई यार, अगर आपकी सहेली के मेल बेस्ट फ्रेंड्स होए, फिर ठीक है, ओके है? सिर्फ फ्रेंड्स हैं तो ओके है, अहे ज्यादा लेवल का नहीं। सिर्फ फ्रेंड्स हैं तो ओके है, नहीं है तो ठीक है। अभी बढ़िया यार, आपका टोन बहुत बढ़िया यार बात करने का ना। थैंक यू। एक गाना भी सुना दीजिए। गाना नहीं आता हमें, मतलब कि जब गाने बज रहे होते हैं तो साथ साथ गा लेते हैं। वो किसमें था यार, वो अपना गदारी करबा, तेरी बहन का गदारी करबा, वो बिहारी का? बिहारी का नहीं, मैं नहीं सुनता इस टाइप। ओके, आप नहीं सुनते? नहीं, मैं वो कहते हैं सैड सॉन्ग टाइप, वो ज्यादा उसमें वाइब्स होती है ना। आप इतने सैड सॉन्ग्स की सुनते हो, उसमें वाइब्स कौन सी होती है? हमें तो पंजाबी वाले में तो एनर्जेटिक वाइब्स होती है, आप सैड सॉन्ग्स कौन से सुनते हो? पंजाबी गाने में भी सुन लेते हैं, लेकिन रैप्स नहीं सुनता मैं। जैसे आजकल पंजाबी में भी रैप्स आते हैं ना, वो नहीं सुनते। अच्छा, वो एक रैप होता है खाने वाला, वो वाला रैप तो नहीं सुनते आप? खाने वाला कौन सा रैप यार? एक वो जो मिलता है बर्गर रैप, वो तो नहीं खाते आप? वो रोल होता है ना। वो रोल होता है, इनको सब पता है भाई, सब पता है यार, तुम तो इंटेलिजेंट हो। अच्छा भाई,
अगर आपको एक लड़की आज आके कहती है कि यार मैं तो तेरे साथ ना शादी करना चाहती हूँ, तो आपका जवाब क्या होगा? या गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, क्या जवाब होगा? अभी तो मैं मना ही करूँगा, क्योंकि जब जाना ही नहीं है, कि अगर जान पहचान में तब भी कुछ सोच सकते हैं, जब जाने जानते ही नहीं तब क्या करें। मेरे कॉन्फिडेंस तो हाई होता है, ऐसी तो मतलब जी ही रहे हैं, कहता मैं मना ही कर दूंगा भाई। अच्छे अच्छे खासे मतलब हाँ कर देते हैं। अरे तो पता भी तो होना चाहिए लड़की कैसी है, बिना जाने पहचाने कैसे बोल रहे। और मेरे भाइयों क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया यार, ऐसे बंदे ऐसे चाहिए हमें जिंदगी के बीच में ना। मैंने ऐसे ही रोका, भाई जी कैसे हो? भाई जी रुक गए। भाई एक बात बताओ, कहाँ से हो? हिमाचल। हिमाचल से हो, तभी लग रहा है दाढ़ी दूड़ी, पता ही नहीं लग रहा दाढ़ी का रंग और उसमें मतलब फर्क नहीं है, गोरे चिट्टे उभरे हैं, सब ऐसे ही बोलते हैं। इंडिया का लगता नहीं। अच्छा इंडिया का लगता नहीं है? अच्छा मतलब सहेली भी है? नहीं नहीं। ओहो फिर क्या फायदा हुआ, फिर जो मर्जी बोलता रहे। और भाई आपके क्या हाल है? बस बढ़िया भैया। भाई आपको ऐसा देख कर लगता है, जिसने वो गाना याद आ गया मेरे को राहुल वैद्य का, जिसने दारू नहीं पी वो है आदमी सी। यार एक वो रील देखी, वो यार वो मतलब जिमें ना एक ना भाई रील होती है, वो ना पब्लिक रिएक्शन आ रहा होता है, तो एक बड़ा सियाना सा बच्चा होता है, ये किस बारे में है, किस बारे में? तो भाई भी वही बच्चा है, चलाक बच्चा। भैया ये किस कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में? पर तेरे को माफ किया तू उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लेना चाहता था, डीएवी, मेरे को बहुत पसंद कॉलेज है। नहीं मैं तो मजबूरी में गया। अरे मजबूरी में गया है, बस बस फिर तो तेरे को कोई भी चीज तू सही, तेरे को पसंद ही नहीं आएगी कभी जिंदगी में। अच्छा भाई सिचुएशनशिप के बारे में पता है? बहुत ज्यादा। अच्छा बहुत ज्यादा, थोड़ा चानन डालिए अगर आपको बहुत ज्यादा पता है तो। बहुत रिलेट करता है। अच्छा आपके साथ हुआ है क्या कभी? एक बार। अच्छा जब बताऊंगे कैसा क्या रहा एक्सपीरियंस। सिचुएशनशिप से आपको मूव ऑन होने में टाइम लगता है एज कम्पेयर टू रिलेशनशिप। होता क्या है, पहले मतलब समझाओ हिंदी में। मतलब जैसे कि आप रिलेशन में भी नहीं हो। अच्छा। और एज अ फ्रेंड भी नहीं हो, मतलब एक तरह का बीच। अच्छा अच्छा अच्छा, बीच का बंदर। ओके ओके। ना आप दरवाजे से अंदर जा सकते हो, ना बाहर जा सकते हो, दरवाजे के ऊपर। और इसके ऐसे बंदे ने दरवाजे के अंदर ही जाना होता है, ये सिर्फ कमरे के अंदर जाने के लिए ही ये मतलब रिलेशनशिप में आते हैं। तो अच्छा 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 भाई क्या मतलब पढ़ के रहे हो? भाई मैं बीए। अच्छा बीए फर्स्ट। पढ़ाते भी हो क्या किसी को? नहीं नहीं भाई। पढ़ाते हो आप? जैसे मतलब बड़े चलाक से लड़के लड़कियों को पढ़ा भी लेते हैं ना, इंटेलिजेंट से भाई, मतलब पागल बना लेते हैं अपनी बातों में। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है लगता है। अच्छा गाने सुन रहे थे? हाँ गाने सुन रहा था। इतना मतलब वो है क्रेज की मार्केट में भी गाने सुनोगे? बस म्यूजिक से ऑब्सेशन है। अच्छा दुनिया से, दुनियादारी से दूर होना चाह रहे हो? दुनियादारी से दूर, म्यूजिक ना पीस है। और भाई एक बात सुनाओ, कभी गर्लफ्रेंड रही है तो अब कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए ये एक्सपीरियंस के बाद? अब चाहिए ही नहीं। चाहिए ही नहीं, अब काफी है सिर्फ। ये समझ आता है, ये इंटेलिजेंट है, ये चालू है, मैं बताना तुम्हें। हाँ ये हाथ खड़े हो गए, इंटेलिजेंट हैगा ये, थोड़ा बेचारा साडा मुंडा साहू हैगा। भाई हिमाचल वाले सर इधर क्यों आ जाते हैं, हिमाचल क्यों नहीं पढ़ता तुम लोग? यहाँ पे हमारे को एक्सपोजर चाहिए होता है। एक्सपोजर हम तो नहीं जाते यार पंजाब छोड़ के हम। हाँ टू बी ऑनेस्ट हम तो। अच्छा तुम भी हिमाचल से हो क्या? हिमाचल से, एक ही जगह। और लो पूत दिया लगता एक ही जगह सेम ही है। अच्छा मैं भी लक्ष्य, ये भी लक्ष्य, सेम नाम भी सेम है हमारा, कजिन भी हो जाते पैदे भी इकट्ठे ही हुए होंगे। देख लो पता करवा लो सारा कुछ। तीन चार महीने का ठीक है, शुक्र है। सहेली था नहीं एक? नहीं पता लगे मतलब वही करते हो तुम? नहीं नहीं, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, उसको इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं। आप तुम लोग सारे समझदार हो, कमेंट्स में बता देना क्या कहते हैं। तो थैंक यू भाई जी, बहुत बढ़िया लगा बात करके। थैंक यू भाई। क्या हाल है? मतलब आप हमारे मतलब क्या कह सकते हैं, इस टाइम की जिंदगी में ऐसे आए हो जैसे भगवान के रूप में, बहुत आधा घंटा हो गया फिरते हुए, कोई आ ही नहीं रहा, रुक नहीं रहा, सारे एटीट्यूड दिखा रहे हैं मतलब। और भैया रानी को लड़कियां ऐसी अपने आप को हीरो बन रही हैं जैसे पता नहीं क्या होता है। थैंक यू मैम आप रुक गए। और बताओ मैम क्या हाल चल रहे हैं आप? बस बढ़िया। अच्छा मैम पढ़ते हो कि पढ़ाते हो? अच्छा पढ़ाते, मतलब पढ़ाने का मतलब ये कि लड़की लड़कियां लड़कों को भी पढ़ा देती ना? हाँ हाँ ऐसे नहीं करना, ऐसे करते हैं। हाँ भाई ऐसा तो नहीं अब अवतार भाई, लड़कियों होता ना चुड़ेलों वाला अवतार, मतलब कई लड़कियों का वो तो इशारा हो गया। भी आता है हाँ हाँ, वो भी होना चाहिए, काली माँ का अवतार। हाँ आता है पर कभी-कभी ऐसे डेली लाइफ में। अच्छा डेली लाइफ में नहीं आता, वो आना भी चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी में, नहीं तो है ना मतलब मरने के बाद क्या लगोगे, मतलब लड़की मरने के बाद चुड़ैल, मतलब वो तो फिर जिंदगी में ही हो जाएगा ना। मतलब सारे मरने के बाद भूत बनते हैं, लड़के भी तो बनते हैं, तो सिर्फ लड़कियां बनती हैं। एक बार ना एक जोक याद आ गया, कहता यार जो मर्द है, जो बनता है, जो आदमी है, वो मरने के बाद भूत बनता है। वो कहता लड़कियां क्या बनती हैं? वो कहते चुड़ैल। कतल है, लड़कियां मरने के बाद भी चुड़ैल बनती हैं, ये क्या मतलब हुआ यार, ऐसा क्यों कहते हैं लोग? कपिल शर्मा का जोक है,
बहुत ही गंदा जोक है, बहुत गंदा जोक है। हाँ, समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा ऊंचाई होता है। नहीं नहीं, लड़कियां नहीं, लड़के भी, लड़के यार पता क्या, लड़कियां पता क्या अपने आपको ज्यादा समझती ज्यादा है ना, उनको पता भी इतनी क्या ही बात कर लेंगे। अच्छा मैं एक बात बताऊं, व्हाट इज ब्रेड क्रम्बिंग अकॉर्डिंग टू यू? ब्रेड क्रम्बिंग क्या होती है? अरे वो आजकल टर्म आ रखा है ना कि लड़कों को सिर्फ उतनी अटेंशन दो जितनी नीडेड है, बट जब वो ज्यादा अटेंशन मांगेंगे तो बस। अच्छा, उसको कहते हैं ब्रेड क्रम्बिंग? हां आई थिंक, आई एम श्योर। और घोस्टिंग किसको कहते हैं? घोस्टिंग मतलब तुम अचानक से घोस्ट करके चल रहे हो, तुम्हारी डेली कन्वर्सेशन हो रही है, बात कर रहे हो, बट एक पॉइंट पे तुम्हें ऐसे लगेगी नहीं। अच्छा मैम, कभी आप रिलेशनशिप में रहे हो? अच्छा, तो उसके मतलब क्या दो साइड इफेक्ट्स जो फायदे? साइड इफेक्ट्स मतलब नुकसान? नुकसान ऐसे अगर रिलेशनशिप अच्छा है, हेल्दी रिलेशनशिप है, तो कोई नुकसान मेरे हिसाब से तो नहीं। आपका टॉक्सिक था क्या? नहीं, टॉक्सिक नहीं कहूँगी, बट हाँ ऑब्वियसली हो जाती है अनबन, मिसअंडरस्टैंडिंग और ये सब, उसकी वजह से थोड़ा रिलेशन खराब हो जाता है। हो जाता है। अच्छा मैम, फायदे? फायदे तो बहुत सारे हैं। समझ गए हम भी समझ गए। ऐसा कुछ नहीं। तो आपकी स्माइल इतनी आपने बड़ी खतरनाक की, ठीक है? नहीं, अच्छी बात है। और मैम एक बात बताओ, अगर आपका बॉयफ्रेंड हुआ कल को और उसकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड है तो इज इट ओके? नहीं, बिल्कुल ऐसा क्यों यार? नहीं, मेरे को, मैं खुद भी मेल फ्रेंड्स नहीं रखूंगी और मैं चाहूंगी कि वो भी अपनी फीमेल बेस्ट फ्रेंड ना रखे। मतलब यार यार सही है यार, कितनी औसम है भाई, सही बात बोली यार इसने। कहती कि अगर उसके भी मेल फीमेल फ्रेंड्स नहीं होंगे तो मेरे भी मेल फ्रेंड्स नहीं होंगे। वाह यार, क्या बात कर दी आपने, थैंक यू यार। अच्छा अच्छा, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरा रब है। जे तू मेरे कोल है तो फिर जिंदगी बिच कदा जब है, अल्लाह चक खड़े पैर बनाती गल्ला। और मैम एक बात बताओ कि अब लड़का उसे चाहिए कैसा? उच्चा, लंबा, जवान, गबरू, कैसा? मैं हिमाचल की हूँ बेसिकली। ओह, मुझे लड़का ऐसा चाहिए। मैं बता देता हूँ, गोरा चिट्टा, क्लीन शेव। नहीं नहीं, क्लीन शेव से मुझे कोई स्कोर नहीं है। हाँ, लंबा होना चाहिए। और कितना लंबा होना चाहिए, मतलब 7-8 फुट? नहीं, 6-11 भी। ठीक है जी, ऐसे कुछ ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस अच्छा होना चाहिए। दिल का अच्छा क्या किसको कहते हैं, मतलब व्हाट इज दिल का अच्छा कहना? फालतू जैसे आजकल के लड़के गेड़ियां वेड़ियां, मैं ये कह रही थी ऐसी तो मुझे कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं होती, मुझे बस ये होता है कि दिल का साफ होना चाहिए। मतलब अच्छे से बिहेव करे, ऐसे आजकल के लड़के बहुत गेड़ियां वेड़ियां मार रहे हैं और दोस्तों के साथ चिपके रहते हैं ऑल द टाइम, वैसा भी नहीं, थोड़ा मतलब उसको होना चाहिए। मैंने ना अभी ना आंखों का ऑपरेशन कराया, लेजर का करा लेते हैं ना वो, मतलब स्पेशल, पर कई लोगों के ना चश्मा चिपता है। आपको वो पता है, वो फिल्म देखी आपने, ये जवानी है दीवानी, उसमें वो लड़की है वो नैना, वैसी वाली लुक है आपकी। ऐसा कहा किसी ने चश्मा? किसी से तो होना लगता है, कोई बिरला ही होता है। सो बाकी जी बहुत बढ़िया लगा जी गल करके, थैंक यू। भाई जी क्या हाल है? बढ़िया जी, बढ़िया। ये भाई जी पहला 2000 ते 3000 मिनटा ते लारियां तो बाद मन नहीं गए स्पेशल, ते हुन इंटरव्यू पहला सानू मना करके वापस आए ने, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫੀਲ ਕਰਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਰਿਦਮ ਜੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਗਵਾ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਟੈਲੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਛੱਡੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੁੜ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਨੂੰ, ਦਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੜੀਏ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁੱਲਣੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਸੁਰਖ ਦੁਪੱਟਾ ਸੁਮਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੀ, ਸਿੱਖ ਗਏ ਬੁੱਲ ਤੇਰੇ ਅਣਖਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਰੁਖਸਾਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਗੁੰਜਲਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰੋਲਣੀਆਂ, ਲੋਡੇ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾ ਬਾਰੀ ਜਗਦਾ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਲੀਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲਣੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਲੀਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲਣੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲਣੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਿਹੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁੰਡੀਆਂ, ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਵੀਰੇ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬੂਟ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਾਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦੋ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ।
अच्छा भाई जी करते क्या हो? भाई बीए कर रहा फर्स्ट ईयर डीएवी कॉलेज। मुंडा कुड़ी का तो दिया कर गई पढ़ाईयां पूरी, मुंडा ऐद की भी बीए विचो फेल हो गया, तुसी पास हो जियो वीरे वीरे हो सी करते भाई ये मेरे बीबीए फर्स्ट ईयर। ओहो बीबीए मैं कीती सी भाई, कोई फायदा है तू छड़ सकते हो कोई म्यूजिक कर रहे ना। अच्छा म्यूजिक कर रहे हो नाल, म्यूजिक ही कर लो है ना, म्यूजिक च शायद बन जावे, बीबीए तो कुछ नहीं बन सकता ये मैं गारंटी दे सकता। ते भाई यार मतलब सहेली तो रही होनी है कदे ना कदे तो रही होनी। नहीं भाई हां जी कदे भी नहीं मैं नहीं हो सकता भाई थोड़ी देखो क्या बंदे उजाले कहंदा मैं क्या सहेली नहीं है झूठ है ना कहंदा झूठ। अच्छा भाई एक गल दसो भाई जे फॉर एग्जाम्पल कल थोड़ी सहेली हुई ओदा मेल बेस्ट फ्रेंड होया तां ठीक है? नहीं भाई भाजी भी बड़े कैड़े विचारा दे ने भाजी तुसी दसो भाई थोड़ी होनी चाहिए है, मतलब सहेली तो होनी चाहिए है ऑफकोर्स, पर सहेली तो बाद तो मेल बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, बाद में होना चाहिए क्योंकि पहला होवे तो कोई गल कोई चक्कर नहीं है, पहला होवे बाद में होवे। अच्छा बाद में तो फिर वो बनता है मतलब क्या कहते हैं अपना जो यार पहला एक ना क्रिकेट के विच होता सीगा एक रेलू गट्टा भी बनता होता सीगा, फिर वो बाद में विच जदों थोड़े तो मन पर गया फिर ओदे ते स्विफ्ट हो जाऊगा मामला। हां ते भाई यार एक मुंडा ते कुड़ी कदे फ्रेंड बन के रह सकदे है? हां जी भी फ्रेंड जोन च रह सकदे है। अच्छा उसने फ्रेंड्स विद बेनिफिट तो नहीं आता वो नहीं पता भी है यार। अच्छा अच्छा नहीं थोनू लगता है ना तुसी हैगे ता मतलब शिकारी पट्टू टाइप मुंडे लग रहे हो जिवें दीयां छोटियां पतलियां पतलियां ते खुंडियां मुच्छां करके कर रहे हो तुसी लगता है भी कुछ ना कुछ कर करके आए हो तुसी? नहीं कोई हले दा कोई नहीं हले नहीं कुछ कीता। ठीक है ठीक है भाई अपना नाम क्या जी? अरमान गिल है जी। अरमान गिल अरमान गिल अरमान नाम दे बंदे बहुत ज्यादा रोमांटिक भी हुंदे आ तुसी देखे होणे अरमान मैं बेचारा किस्मत हारा बोली ਕਹਿੰਦੇ ਰੜਕੇ 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 ਬਈ ਰਾਹ ਸੰਗਰੂਰਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਲੜ ਪਏ ਬਈ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੱਟ ਢਾਲਿਆ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੱਟ ਢਾਲਿਆ ਉੱਤੇ ਬਈ ਦਾ ਕਾਲ ਜਾ ਤੜਕੇ ਬਈ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਉਟਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਲਊਗਾ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੁਣਾ ਦੋ ਸੁਣਾ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦੋ ਬਸ ਓ ਛੱਲਾ ਨੋ ਨੋ ਖੇਵੇਂ ਛੱਲਾ ਨੋ ਨੋ ਖੇਵੇਂ ਛੱਲਾ ਨੋ ਨੋ ਖੇਵੇਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ ਵੇ ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਛੱਲਿਆ ਕਾਵਾਂ ਮੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਾਹ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਬਣਾਈ ਨਾ ਦਾੜੀ ਪੂਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਲ ਬੋਲੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਨੱਗ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਾਲੀ ਨੱਗ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਐਂਡ ਹੋਈ ਪਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਐਂਡ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪਿਰਲ ਔਨ ਫਲਾਰਸ ਕਾਟੋ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫੁੱਲ ਗਰਾਊਂਡਡ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਫੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰਹੀਦਾ ਬਾਈ। ਹੈ ਜੀ ਸੋਫੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰਹੀਦਾ? ਉਹ ਸੋਫੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰਹੀਦਾ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਉਡਨ ਉਡਨ ਪਿਜਨ ਸਕਾਏ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਨਾ ਪੀਜੇ ਪੂਜੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਪੀਜੇ ਪੂਜੇ ਖਾ ਲੈ, ਇਹ ਚਖਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਣਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਖਣਾ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ, ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਖਾਈਦਾ ਅਜੇ ਨਾਨ ਵੇਜ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਖਾਈਦਾ। ਆ ਵੀਰੇ ਉਧਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਡੀਟਰ ਹੈ ਰਾਜ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਸਹੀ ਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕਰ ਲਾਤੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੋ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੋ, ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਹੱਥ ਕਰਾ ਦੋ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਰੜ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਝੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਫਰੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਾਮਨ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਭਰਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਈ ਪਈ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਭਾਈ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਲਵੈਨ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਫਿਰ
ਫਿਰ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਮਲਵੈਣ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸੈੱਟ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਮਲਵੈਣ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਮਲਵਈਏ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਮਲਵਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮਲਵਈ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀਰ ਮਲਵਈ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕਾਂਡੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵੇ ਆ ਕੁੜੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਖੇ ਕਾਂਡੇ ਆ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਖੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਖੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਖੋਰੂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਖੁੱਤੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਧੱਕ ਪਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭੂਤ ਪੰਗੜ ਦਾ ਚੇਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੌਣਕ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪੂਰਾ ਖੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਤੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੈਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਝਾਲਾਂਗੇ ਕੌਣ ਅੜਦਾ ਮਝਾਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੜਦਾ ਅੱਛਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਝਾਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਝਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਪਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਝੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਚੀਮਾ 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 ਬਾਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਬਾਈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਵੀਰੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦੋ ਬਾਕੀ ਮਾਝਾ ਨਾਲ ਦੌੜ ਚੱਲਣ ਦਾ ਧੱਕ ਪੂਰੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੂ ਰੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾੜ ਦਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕ ਦਾਂਗੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਅੜ ਗਿਆ ਤੇ ਧੱਕ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਸੱਚ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਲੀਆਂ ਦਾ ਖੁੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੜਿਆ ਪਾੜ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੜਿਆ ਧੱਕ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਜੋ ਮੈਂ ਬਾਈ ਬਾਈ ਕਰੂਗਾ ਬਾਈ ਰਾਈਮਿੰਗ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖੁੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੜਿਆ ਪਾੜ ਦਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਵੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖੁੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੜਿਆ ਪਾੜ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਰ ਦਾਂਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਬਾਈ ਰਾਈਮਿੰਗ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਓ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੜਿਆ ਪਾੜ ਦਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਡਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥੋੜੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹੇਲੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹਾਏ 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 ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਐ ਲੱਭਣ ਆਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਆ ਜੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਬਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਮਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਖ ਟੇਗੀ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਅੱਖ ਟੇਗੀ ਤੇ ਬਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਖ ਟੇਗੀ ਸਮਝੋ ਕੁੜੀ ਟੇਗੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਫਰੈਂਡ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਬੜੇ ਜੁੜੇ ਆ ਬੜੇ ਜੁੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਾਲ ਕਰੀਏ ਬੁਲਾਓ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕਿਨੂੰ ਆ ਲਾ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਲਾਓ ਯਾਰ ਆਡੀ ਵੀਰ ਓਏ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਰੀਲ ਪਾਉਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੌਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਐਂਡ ਕਰਾ ਲੈ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਤਾ ਲਓ ਹਾਂ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਝੈਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ ਇਹ ਮਝੈਲ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਝੈਲ ਜੀ ਕੋਰਾ ਜੀ ਇਹ ਮਝੈਲ ਜੀ ਦੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵੀਰੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਦੱਸ ਵੀਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੋਕ ਫੋਨ ਖਾ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ